नमस्कार, खाने की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई जैसे छोले। और इन छोलों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कटोरी काबुली चने लिए हैं। हम इन्हें काबुली चने भी कहते हैं, छोले भी बोलते हैं। और ये हमारे 2 कटोरी चने हैं जिन्हें मैंने 3-4 घंटे पानी में भिगोया था। और जिस पानी मैंने भिगोया था उसी पानी को मैं इस्तेमाल करूंगी। और इस तरह से ये हमारे 2 कटोरी चने हैं। और जो इसका पानी हमने निकाला है, जो भीगा, जिसमें हमने भिगोया था, उसी पानी में हमने चाय की पत्ती को उबाला है। और ये हमारा चाय की पत्ती का उबला हुआ पानी है जो मैं आपके सामने चने में डालने जा रही हूँ। ये वही पानी है जिसमें हमने चने भिगोए थे, बार बार आपको बता रही हूँ। और उसी पानी में मैंने 1 चम्मच पत्ती डाल के उसे उबाल लिया है। और ये हम सूखे मसाले इसमें डाल रहे हैं। तेज पत्ता है, 2-3 मोटी इलायची है, 2-3 लौंग है, दालचीनी है और जावित्री है। आपके पास जो भी गरम सूखे मसाले हों आप वो डाल सकते हैं। और अब हम इसे सीटी लगाने के लिए रख देंगे। और मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है। मैं यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी नमक हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें 4-5 सीटी लगाने के लिए इसे कुक गैस पर चढ़ा देंगे। जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इन छोलों के लिए क्या क्या सामग्री डाली है। और उस सामग्री के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसमें मैंने 4 टमाटर, क्योंकि 2 कटोरी हमारे चने हैं, और 3-4 हरी मिर्च और 3 प्याज। टमाटर आप एक आध कम कर सकते हैं लेकिन मैंने 4 लिए हैं। और ये हमारे सूखे मसाले हैं, जीरा, मोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी और 2-3 हरी इलायची। और इसके बाद ये हमारा है जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरा उसका पाउडर। ये हमारा चना मसाला है 1-2 चम्मच, जो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये नमक और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हरा साबुत धनिया पाउडर है 2 चम्मच। ये हमारे पास जीरा है 1 चम्मच। और ये मैंने हरी मिर्च और अदरक को बारीक बारीक काटा है। इसका भी यूज़ हम करेंगे बाद में, मैं बताती हूँ आपको। और ये हमारे पास अनारदाना है, जो मैंने 1 चम्मच अनारदाना लिया, थोड़े से पानी में भिगो दिया है। और ये हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर। और ये हमारे पास कटा हुआ हरा धनिया। तो हम सबसे पहले ये हमारी जो प्याज थी 3, उसको हमने काट लिया है। और उसमें हमने अनारदाना भी भीगा हुआ अपना डाल दिया है, उसका पानी भी हमने इसी में डाल दिया है। और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट बन चुका है, प्याज का कलर चेंज हो गया है, देखिए। अब हमने कढ़ाई में सबसे पहले हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी रिफाइंड घर में यूज़ करते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल चाहें तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर रिफाइंड में ज़्यादा अच्छा बनता है इसलिए मैंने रिफाइंड यूज़ किया है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 2 चम्मच इसमें रिफाइंड डाला है क्योंकि छोले हमारे ज़्यादा हैं। और इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ जीरा, 1 चम्मच जीरा है, दालचीनी और 2-3 हमारी हरी इलायची, तेज पत्ता, मोटी इलायची। और इस तरह से हमने सारे अपने ड्राई मसाले इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा मसाले को 1 सेकंड के लिए हम चलाएंगे ताकि जीरे का कलर थोड़ा सा बदल जाए। उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया था प्याज का और अनारदाने का, उस पेस्ट को हम इस तेल में डालेंगे। ये देखिए, आप देखिएगा कि ये हलवाई जैसे छोले बिल्कुल आपको लगेगा आप रेस्टोरेंट के छोले घर में खा रहे हैं। लॉकडाउन का टाइम है, मार्केट हम जा नहीं सकते, तो इसलिए क्यों ना हम घर में ही वो डिलीशियस चीज़ें बनाएं जो हम मार्केट में खाना पसंद करते हैं। प्याज का कलर हमारा चेंज हो रहा है, प्याज ब्राउन हो रही है क्योंकि इसमें अनारदाना डला है, तो थोड़ा कलर भी इसका अलग है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
अदरक लहसुन का यूज़ मैंने इसमें ज़्यादा किया है, क्योंकि छोले में आप जानते हैं थोड़ा बादी भी होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, जीरे का पेस्ट है, पाउडर हमने बना रखा है, और ये हमारा चना मसाला है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, छोले मसाला भी बोलते हैं इसको। ये हमने 2 चम्मच लिया है। मैं क्वांटिटी आपको दो दो बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप भूलें नहीं, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं बताती हूँ आप रेसिपी को बनाएं। और ये हमारी काली मिर्च का पाउडर है जो मैंने घर में ही बनाया है। मैंने इसमें आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा रखा है, आप अगर तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें, ये हमारा धनिया पाउडर, 2 चम्मच हरा धनिया पाउडर है ये, और अब मसाले को मैं चलाऊंगी। 2 मिनट के लिए इसे पकाना है हमें। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला काफ़ी गाढ़ा है हमारा, थिक है। ये देखिए मसाला पक रहा है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने, आपको दिख रहा होगा तेल अलग हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हमने 1 चम्मच नमक लिया है, क्योंकि नमक हमने छोलों में भी डाला है। और ये हमारा टमाटर प्योरी है, मैंने टमाटर और हरी मिर्च को का पेस्ट बना लिया है। आपको मैंने शुरू में दिखाया था कि हमने इसमें टमाटर कितने लिए हैं। ये देखिए ये हमारा एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बन रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही, 2.5 चम्मच ये दही है, टीस्पून है ये, और हमने 2.5 टीस्पून इसमें दही डाली है। दही को मैंने पहले फेंट दिया है थोड़ा सा, और जब भी हम मसाले में दही डालें, चाहे कोई सी भी रेसिपी हो, हम मसाले को चलाते रहें ताकि दही की फुटकियाँ ना बने, इस बात का खास ध्यान रखें। मैंने पहले फ्लेम को सिम किया था, अब मैंने इसको तेज कर दिया है। अब ये जो हमारे पास कटी हुई हरी मिर्च थी और अदरक थी, मैंने इन दोनों को, अदरक और हरी मिर्च को, मसाले में डाल दिया है। और ये मेरे पास अजवाइन है, जिसको मैंने हल्का सा गर्म भी किया है। अब मैं अपनी हथेली की सहायता से इसको क्रश करूंगी। देखिए इसको मैंने मला है अजवाइन को, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और दूसरा हमारी डाइजेशन के लिए अजवाइन बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोले काफ़ी रिच हैं, और जब हम इन्हें भटूरे या नान के साथ खाते हैं तो ये डाइजेस्ट कई बार नहीं होते, इसलिए अजवाइन का डालना बहुत ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। और देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है, और हम छोले भी अपने चेक कर लेते हैं कि हमारे छोले हो गए हैं, नहीं हुए, कच्चे तो नहीं रह गए, और छोले भी हमारे हो चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ छोले हमारे गल चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, अब मसाला भी हमारा तैयार है। अब मैं इन छोलों को मसाले के अंदर डाल रही हूँ और अच्छे से इसको चलाऊंगी ताकि छोले और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कलर भी आ गया है और मसाले से तेल भी अलग हो गया है, अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। इसको हार्डली 5 मिनट तक पकाना है। इसके बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, आप देख रहे होंगे, मैं थोड़े थोड़े छोले इसमें डाल रही हूँ और इसे चला रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने इन चनों को, छोलों को हल्का सा पुश भी किया है। और जो उसमें हमारा चाय की पत्ती का पानी था, छोले का पानी है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, और इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए छोले हमारे 5 मिनट बन के तैयार हो चुके हैं।
छोले हमारे बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। इसमें उबाल भी आ रहा है। अब मैं इसमें हरा धनिया जो हमने काटा था बारीक, इसे इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हरा धनिया एक ऐसा चीज़ है जो कि हम सब्जी में डालते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। छोले हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिया से गार्निश किया है, और आप इसे भटूरों के साथ, चावल के साथ कैसे भी आप ले सकते हैं। ये हलवाई जैसे डिलीशियस छोले हमारे बन के तैयार हैं। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।